इवन द बैंड एंड एवरीवन वांट्स टू नो लाइक यू नो के आप व्हेन आर यू गेटिंग टुगेदर लाइक यू नो अभी मतलब कभी बैंड बाजा बारात हो रही है कभी बैंड बाजा बारात आई थिंक वी डूइंग प्रीटी प्रीटी वेल और यू नो जस्ट व्हेन जब जब जिस जिस चीज का टाइम होता है वो तब तब होना है बिकॉज तो फाइनली तौर पर जिस खुशखबरी का बहुत अरसे से वेट था फाइनली तौर पर जिस तरीके से तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा से पूछा गया एक इंटरव्यू में कि क्या आप वाकई शादी करने वाली हैं जो कि आप सुन सकते हैं इसमें उनका आगे से क्या जवाब था वो मुकम्मल वीडियो उनका जवाब दिखाएंगे जो कि फाइनली तौर पर खुशखबरी सामने आ चुकी है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। मैंने जब बिग बॉस ज्वाइन किया था तो मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी थी कि हम दोनों कितने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं बट कभी मिले नहीं मतलब मिले थे ब्रीफली मिले थे बट एक वक्त था हमारा मिलने का एक तकदीर थी उसमें लिखा था। सो अब आई एम थिंकिंग कि जब जो चीज़ लिखी होती है वो तभी होनी होती है। सो यू नो शी इज़ डूइंग रियली रियली वेल यू नो शी इज़ गेटिंग वेरी गुड यू नो वर्क ऑफर्स एंड एवरीथिंग आई थिंक शी शुड फोकस ऑन दैट एंड यू नो द फैमिलीज आर ओके एवरीथिंग इज़ फाइन टचवुड। फाइनली तौर पर जिस तरीके से करण कुंद्रा ने तमाम रूमर्स को इनकी शादी की फाइनली तौर पर डिनाई कर दी उनका कहना है कि हर चीज का एक सही वक्त होता है जब सही वक्त होगा तो हम मिल जाएंगे। एक डेस्टिनी थी यहाँ पर बिग बॉस की हम उससे पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे वहाँ डेस्टिनी बनी हम एक दूसरे को मिले हमें एक दूसरे से प्यार हुआ फाइनली तौर पर जब शादी का सही वक्त होगा तब शादी भी हो जाएगी। इस टाइम पर जो बात की जाए तेजस्वी की तो तेजस्वी बहुत अच्छा काम करी और फैंस को चाहिए कि सिर्फ उस पर फोकस करें जब हमारी शादी का टाइम आएगा तो हम शादी भी कर लेंगे।